हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 7। आज हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों आज की क्लास में स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन सिस्टम देखेंगे, साथ में डेल्टा टू स्टार देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। ओके, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 7 है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है बच्चों, कैसे काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये हमने डायग्राम बना लिया है। इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, एट बैलेंस कंडीशन में इसकी जो है तो फार्मूले को जनरेट करेंगे। जब फार्मूला हमारा जनरेट हो जाएगा, अगर था सूत्र यहाँ पे बन जाएगा, तो फिर हम लोग क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इस डायग्राम में हमने देखा है ना, डायग्राम में हम देख रहे हैं कि बच्चों क्या है, एक पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध हमारे कनेक्ट हैं, है ना। हम आर वन आर टू आर थ्री आर फोर भी लिख सकते हैं। हमने नाम दे दिया है पी क्यू आर एस, क्योंकि फिजिक्स में जो सॉल्व किया गया है उनका नाम पी क्यू आर एस है, तो हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। हम लोग देखेंगे इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा है कि पॉइंट कितने हैं बच्चों, ए बी सी डी, चार पॉइंट हैं और चार हमारे पास में प्रतिरोध कनेक्ट हैं, और एक बीच में जो कनेक्ट है उसे हम बोलते हैं गैल्वनाइज करंट अर्थात आईजी, है ना। गैल्वनाइज करंट इसको बोलते हैं, है ना। ये जी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो जी है इसमें जो करंट फ्लो हो रही होती है वो कौन सी होती है, आईजी, और इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वनाइजिंग करंट, गैल्वनाइजिंग करंट। ओके, गैल्वनाइजिंग करंट होती है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो कब काम करता है, कब उसको हम लोग काम में लेते हैं, वो कब काम में आता है बच्चों, बैलेंस कंडीशन में और अनबैलेंस कंडीशन में। तो हम दोनों कंडीशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एट बैलेंस कंडीशन। ओके, एट बैलेंस कंडीशन अर्थात जब वह स्थिर अवस्था में होता है तब क्या होगा, एट बैलेंस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, आईजी बराबर क्या होता है, जीरो। अर्थात हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस कंडीशन में आईजी का मान क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। अर्थात बैलेंस कंडीशन में हम आईजी को हमेशा जीरो मान करके चलेंगे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों। यह चारों प्रतिरोध की एक व्यवस्था है जिसमें से एक प्रतिरोध अज्ञात होता है तथा शेष तीन ज्ञात होते हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास में चार प्रतिरोध हैं, तो यह एक जो है तो क्या है, बैलेंस कंडीशन की व्यवस्था है, है ना। मैं लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं पॉइंट, यह है चार प्रतिरोध की व्यवस्था है, यह चार प्रतिरोध की व्यवस्था है जिनमें से एक प्रतिरोध अज्ञात होता है, है ना। एक प्रतिरोध जो है अज्ञात होता है तथा शेष तीन प्रतिरोध ज्ञात होते हैं। ओके, तो ये एक जो है तो क्या है बच्चों कि चार जो है तो प्रतिरोध की एक व्यवस्था है, है ना। यह चार प्रतिरोध की एक व्यवस्था है जिसमें एक प्रतिरोध जो है तो अज्ञात होता है, है ना, और बाकी सब जो है तो क्या होते हैं बच्चों, ज्ञात होते हैं। तो क्या कहेंगे, जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो ऐसा एक डायग्राम रहेगा जिसमें तीन का मान दिया रहेगा, एक का मान नहीं दिया रहेगा, वही इस पे लिखा हुआ है, है ना। अर्थात क्या कह रहा है कि चार प्रतिरोध दिए रहेंगे, उसकी एक व्यवस्था है जिसमें क्या रहेगा, एक अज्ञात रहेगा, बाकी तीन का जो है मान रहेगा, चौथे का हमको निकालना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि एट बैलेंस कंडीशन में जो इसका फॉर्मूला बनकर के आता है, एट बैलेंस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, यह एट बैलेंस कंडीशन में पी अपान क्यू इक्वल्स टू आर अपान एस होता है। इसी को
हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि व्हीट स्टोन ब्रिज का एट बैलेंस कंडीशन फॉर्मूला पूछता है तो ये रहेगा आपका पी अपान क्यू इक्वल्स टू आर अपान एस। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कुछ जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास छोटी रहेगी, मैं केवल व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाने वाला था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन सिस्टम। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो व्हीट स्टोन क्या है बच्चों, एक चार प्रतिरोधों के अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है जिसमें तीन दिए रहेंगे और एक नहीं दिया रहेगा। उस कंडीशन में एक जो नहीं दिया रहेगा उसको हमें क्या करना है, निकालना है, है ना। और एट बैलेंस कंडीशन में हमेशा आईजी क्या होती है बच्चों, जीरो हो जाती है। और जो जी का मान होता है, जो जी जो होता है यहां पे, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, गैल्वेनाइज करंट, गैल्वेनाइजिंग करंट बोलते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन आता है ना, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अब मैं यहीं पे आप लोग को एक क्वेश्चन बता देता हूं। मान लो कि यहां पे हमने क्या किया बच्चों कि ये R1 है ना, और ये हमारे पास में जो है तो है ना, इन चारों का मान रख देते हैं। ये हमारे पास में R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3 है और ये हमारे पास में R4 है। अब मैं इनका चारों का वैल्यू दे देता हूँ, तीन का वैल्यू दे दूंगा, एक का जो है तो नहीं दूंगा, है ना। मतलब क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसमें तीन का दिया रहेगा, एक का नहीं दिया रहेगा, हमको एक का निकालना होगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, मान लो यहाँ पे हमने दिया कि R1 का मान 4 है, R2 का मान 8 है, R3 का मान जो है तो 2 है और R4 का मान नहीं दिया है। अर्थात हमें क्या करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है ना, R4 का मान हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। हम लोग कैसे निकालेंगे तो मैं बता दूं, इसी सूत्र है ना, इसी डायग्राम को हम लोग यहां पे बना लेते हैं समझने के लिए। तो देखो मैंने क्या किया कि ये हमारे पास में एक डायग्राम बन गया, R1 का मान यहां पे 4 हो गया, है ना, और ये एक डायग्राम बन गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फटाफट। तो ये R4 हो गया, है ना, R1 बराबर 4, R2 बराबर कितना हमने लिखा, R2 बराबर 8 है, ठीक है, और R3 बराबर बेटा कितना है, 2 है, और R4 का मान कितना है बच्चों, R4 का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अर्थात R4 का मान हमें क्या निकालना है ना, R4 का मान क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो R4 का जो है तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ब्रिज हो गया। अब इस ब्रिज के साथ हमारे पास यहाँ पे अगर जी जुड़ा हुआ है ना, तो क्या होगा, एट बैलेंस कंडीशन में हम लोग जानते हैं, एट बैलेंस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, आईजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आईजी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अर्थात ये जो हमारे पास बीच में जो है तो एक खिंचा हुआ लाइन है, गैल्वेनाइज करंट जो आ रही है वो क्या होगी, वो करंट क्या हो जाएगी बच्चों, आईजी जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हो जाएगी तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगी। अर्थात जब हम सॉल्व करेंगे तो डायग्राम कैसा बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे बच्चों कुछ इस प्रकार से। ओके, ये बन जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा, सेम वही रहेगा डायग्राम, है ना। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 4, 8, 2 और यहाँ पे R4 को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सेम वही बनेगा, बस वहाँ से गैल्वेनाइजिंग करंट का जो है ना, ये जो लाइन थी वो हमारी हट जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे, तो होगा क्या, जब यहाँ से हमारे पास इस पॉइंट से करंट निकल करके आएगी, यहाँ पे आएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, है ना, करंट यहाँ पे क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, इस रास्ते में जाएगी और इस रास्ते में जाएगी। इस रास्ते से जाएगी बच्चों तो घूम करके कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। इस रास्ते से भी जाएगी तो घूम करके बच्चों कहाँ पे आएगी, यहीं पे आएगी। अर्थात होगा क्या कि इस परिपथ में यहाँ से ये ऊपर के दो अलग हैं, ये नीचे के दो अलग हो गए, ठीक, क्योंकि मैं कुल मिला के इसको मैं अगर मैं कन्वर्ट करूं, इस डायग्राम को मैं कन्वर्ट करूं तो किस प्रकार का बनेगा डायग्राम मेरा, ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार का डायग्राम, है ना, ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा बच्चों। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है बच्चों, ये सर्किट सॉल्व करने के लिए ना सब तोड़ना पड़ता है ना, तोड़ मोड़ के सब बनाना पड़ता है, तब जाकर सॉल्व होगा, प्लस माइनस वोल्टेज। अब मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, ये 4 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये R4 हो गया, है ना। R4 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये मान लेते हैं R1 है ना, R2 है, मान लेते हैं, नहीं है ही वो, है ना, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, R3 हो जाएगा, ठीक। यहां पे मैं लिख देता हूं R1, R2
और ये आर थ्री आर फोर। अब इसको हमको सॉल्व करना, देखो क्या हुआ, ब्रिज सर्किट ये थी, मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट ये थी, कुल मिला के ये था। इसको हमने कन्वर्ट किया इस प्रकार से, क्योंकि आईजी को हमने क्या किया, यूज किया, तो आईजी बराबर जीरो हो गया, तो ये बीच का लाइन हट गई, तो ये बन गया इस प्रकार से। अब इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट मैं यहां पर सॉल्व कर सकता हूं। मैं तो आपको ये सिखाने के लिए बता दिया है ना, आप लोग को पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। मैं यही सॉल्व कर दूंगा, क्या करूंगा, यहां से करंट मेरी जाएगी ना, तो ये ऊपर वाला आधा अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया, क्योंकि मेरी जो करंट है बच्चों कहां से कहां घूम करके जाएगी, मैं बता दूं आप लोग को, करंट मेरी जो है ना यहां से स्टार्ट होगी यहां तक जाएगी, और यहां से स्टार्ट होगी बच्चों वो यहीं तक जाएगी, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, ऊपर वाले अलग हो गए, नीचे वाले अलग हो गए, मतलब ये क्या हो गया, ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, चार और आठ, ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, आठ चार बारह, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, चार का वैल्यू निकालना है तो दो बस रहेगा। तो हम लोग इस प्रकार से सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सर्किट जो है वो बनेगी कैसे बच्चों, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो क्या होगा कि यहां पे क्या हो जाएगा, आठ चार बारह, अर्थात इस सर्किट को मैं जब सॉल्व करूंगा तो आठ चार बारह हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा बच्चों, टू आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिवाइड में जो है, तो टू आर हो जाएगा। अब ये टू आर जो हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब दो को जो है हम क्या करेंगे, दो को भाग देंगे कितने में, 12 में, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात जो R4 का मान है ना, जो R4 हमें निकालना था बच्चों, वो R4 बराबर कितना हो जाएगा, 6 ओम। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, सिर्फ चारों का मान दिया हो। अभी तो हमने एकदम सही किया है, तीन यदि दिए हैं, तीन में से यदि किसी का दिया है, हम क्या करेंगे इस प्रकार से निकाल लेंगे, है ना, इसका मान जो है तो निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, है ना, इसी से रिलेटेड है वो, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, उसको मैंने जो है समझ लिया है, सेम है, बस बैलेंस कंडीशन में हमने जो है तो चारों का मान लेकर के एक बार जो है तो सॉल्व करना है। यदि हमारे पास में बच्चों क्या हो, है ना, यदि क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं दो, क्वेश्चन नंबर दो में देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है, कि ये हमारे पास एक डायग्राम हो गया, है ना, ये डायग्राम हो गया हमारे पास में, ओके, मैं अच्छे से बना देता हूँ डायग्राम को, है ना, जल्दी नहीं करते, एक सेकंड, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा पर अच्छा थोड़ा सा रहेगा, अच्छे से अपन व्यवस्थित समझ लेंगे तो बढ़िया क्लियर हो जाएगी चीज़ें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये हमारे पास में ब्रिज हो गया। अब मैं यहाँ पे फटाफट बता दूँ आप लोग को, R1 का मान मान लो 2 है, R2 का मान मान लो हम 4 मान लेते हैं, R3 का मान हम 6 मान लेते हैं या 8 मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं, R4 का मान जो है तो हम 8 मान लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गई कब, ये कंडीशन की हो गई कब बच्चों, कि भैया जो है ना एट बैलेंस कंडीशन में, है ना, एट बैलेंस कंडीशन में। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहां पे क्या करेंगे बच्चों, यहां पे क्या करेंगे, चलो मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, ताकि जो है तो आप लोग को इजी हो समझने में। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 8 कर देता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 6 कर देता हूँ, या आप जो है तो 4 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लो मैं 10 कर दिया, है ना, 6 नहीं किया 10 कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि हमें क्या करना है कि इन दोनों को, इस सर्किट को पूरा सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि क्या होगा बच्चों, ये ऊपर का सर्किट ऐसा बनेगा, कुल मिला के ये सर्किट सही बनेगा, है ना, इसमें क्या है, चारों जुड़े हुए हैं, ये सही सॉल्व होगा, जो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे ना, ये हमारा हो जाएगा पहली सर्किट, ये हमारा हो जाएगा दूसरी सर्किट, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये सर्किट बनेगा एक 2 ओम का, और एक ये बन जाएगा बच्चों 10 ओम का, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, बैटरी कनेक्ट हो गई प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक और सर्किट जो बनेगी ना, इसको तोड़ मड़ोड़ के ही बनाना पड़ता है बच्चों, तोड़ करके ही बनाना पड़ता है, 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 10 2 12 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमारे पास एक जो है तो बैटरी कनेक्ट हो गई। अब क्या करेंगे कि हम जानते हैं R1 मल्टीप्लाई R2 अपान R1 प्लस R2 बच्चों, इस कंडीशन पे ये फार्मूला काम करेगा, कौन सा, ये फार्मूला जो है ना इस कंडीशन पे काम कर देगा। उसमें क्या है, ब्रिज में एक नहीं दिया हुआ था और अपन उससे सॉल्व कर रहे थे, इसलिए सॉल्व नहीं हुआ था। तो अब देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 12 × 12 / 12 + 12, तो 12 = 144 हो जाएगा, और 12 × 24 हो जाएगा, 12 × 24, 24 का भाग दोगे 144 में तो आपका निकल करके आएगा उसकी वैल्यू, अर्थात जो यहाँ पे टोटल बैलेंस होगा, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, इसमें क्या निकालना था, कुल रेजिस्टेंस, है ना, इसमें निकालना क्या था बच्चों, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना था, कुल प्रतिरोध
इस परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना था, तो आप यहाँ पे हम लोग भाग दे देंगे तो निकल करके आ जाएगा 144 में 24 का आप लोग भाग दे देंगे तो कितना जाएगा बच्चों, है ना, 20 चौको 100 और 20 दूनी 40, है ना। अगर हम 5 में भाग दें तो कितना जाएगा, 5 चौको 20 की शून्य हासिल आई 2 का और 5 दूनी 10 2 12 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 और 24 44, ठीक 6 बार चला जाएगा कंप्लीट, तो 6 चौको 24 की 4, है ना, हाजलाई 2 का और 6 दूनी 12 और 2 14 44, मतलब जो है तो ये कितने बार जाएगा बच्चों, 6 बार जाएगा, तो 24 का भाग 44 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अर्थात कुल प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, टोटल प्रतिरोध क्या होगा इस सर्किट का, कुल प्रतिरोध जो होगा वो 6 ओम होगा, यही इसका क्या हुआ आंसर। हमारे पास में इस परिपथ में कितने प्रतिरोध हैं, एक 4 ओम का, 8 ओम का, 10 ओम का, 2 ओम का, तो इस परिपथ का कंप्लीट, इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, वो होगा 6 ओम। क्वेश्चन में ऐसे निकालने को आता है, ये परिपथ बना रहेगा ना, ऐसा सर्किट डायग्राम बना रहेगा, बोलेगा कुल प्रतिरोध निकाल करके बताइए, कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को किस प्रकार बनाएंगे, अब ये सीरीज में दोनों हो गए तो सीरीज में दोनों जोड़ेंगे तो किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, इनको हम क्या करेंगे लास्ट में पैरेलल में जब आएगा, समांतर में जब आएगा, तो इस फॉर्मूले का लगा करके हम लोग क्या करेंगे टोटल आंसर निकाल लेंगे। अब मैं फटाफट एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार, ठीक है, तो हम देख लेते हैं बच्चों एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैंने एक कल की क्लास में दिया था, है ना, कि आप लोग जो है तो करके आना, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, है ना, उससे रिलेटेड ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा वैसे आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो कल का जो लास्ट का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया हूं, है ना, मेरे पास में क्या है बच्चों, ये है ना, तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक, तीनों प्रतिरोध का मान कितना है, एक का 4 है, एक का 4 है, एक का 4 है। मैंने क्या किया था, एक सर्किट मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया था, एक सर्किट मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया था, ठीक, तो हमने क्या कहा कि भैया इसका कुल प्रतिरोध निकालिए, है ना, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है, टोटल आर इक्विवेलेंट मतलब कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, ये सर्किट जो है ना बच्चों, ए और बी पूछेगा क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, ए और बी के बीच में, है ना, क्या लिखा रहेगा बच्चों क्वेश्चन में, लिखा रहेगा ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये परिपथ कैसा बन जाएगा, अब यहां से करंट जब हमारी जाएगी तो ये कि तो ये पाथ मिल जाएगा, एक ये पाथ रहेगा, तो ये तीनों आपस में क्या होगे बच्चों, पैरेलल में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपस में तीनों, ये समांतर में तीनों काम करेंगे। तो कैसे हम इस डायग्राम को बनाएंगे, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा, है ना, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा बच्चों कि ये जो है तो कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा, है ना, ये हो जाएगा, दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा, तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा और ये आपस में तीनों कनेक्ट हो जाएंगे, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 है, 4 है, ये हो जाएगा, तो इसमें हम जो है दो कंडीशन में इसको सॉल्व कर सकते हैं, R1 अपान R2 अपान R1 प्लस R2, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैंने एक बताया था फॉर्मूला, जब सेम प्रतिरोध हो तो R अपान N कर देते हैं, अर्थात 4 अपान 3 कर देंगे, जो वैल्यू निकल करके आएगी वही होगी, 4 एकम 4, 3 एकम 3, है ना, और जो है तो एक बचेगा, भाग न खाए लब्ध शून्य, है ना, दशमलव रखेंगे 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9, मतलब 1 जो है तो 33 आएगा टोटल, जो है तो R इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी बच्चों 1.33 ओम में आएगी, ये इसका आंसर होगा, इस परिपथ का आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब फटाफट एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, है ना। तो ब्रिज जो है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इसमें केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन दे देता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। अब मैं एक जटिल, थोड़ा सा एक टफ ले लेता हूं, है ना, आप लोग के लिए मैं जो है एक टफ ले लेता हूं क्वेश्चन, उसको अपन सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनेगा वो, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोलेगा टोटल प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए, ओके, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए ए और बी पॉइंट के, ए और बी टर्मिनल का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कैसे क्वेश्चन रहेगा, एक यहां से प्रतिरोध कनेक्ट है, एक यहां से प्रतिरोध कनेक्ट है, ठीक है, यहां एक हो गया पॉइंट, एक ये प्रतिरोध कनेक्ट है, ओके, फिर ये यहां मिल रहा है आकर के, फिर ये एक यहां पे ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है,
ये एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट जो है तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे एक प्रतिरोध कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रतिरोध का पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। अब इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे सॉल्व करके। 18 ओम मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 6 ओम है ना, 6 ओम और 18 ओम ले लेते हैं, ठीक। अब ये परिपथ सॉल्व कैसे होगा बच्चों, कुल प्रतिरोध ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध है, जैसे प्रतिरोध इतने कितना हो गया, इसमें जो है ना 6 ओम हो गया, 6 ओम हो गया, 6 ओम हो गया, 18 ओम हो गया, 18 ओम, बहुत सारे प्रतिरोध हो गए, तो इस परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है वो हमें निकालना है ना, टोटल आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है हमें। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा बच्चों कि हमारे पास में क्या होगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे, है ना, कैसे खींचेंगे, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये मेन पॉइंट हो गया, इसको खींच करके हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे, हम लोग जानते हैं भैया कि ये जो है तो एक सेंटर पॉइंट हो गया, एक प्रतिरोध यहां है, एक प्रतिरोध यहां है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, है ना, ये तीन पॉइंट मेन हो गए। अब क्या होगा बच्चों कि हमारे पास में क्या होगा कि जब इसको हटाएंगे, है ना, ये देखना आप समझना, ये ऊपर वाले को जब मैं यहां से तोड़ूंगा, है ना, ये इसको तोड़ूंगा अलग, तो ये बन जाएगा अलग एक सर्किट, है ना, ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक अलग सर्किट बन जाएगा, अर्थात इसको मैं तोड़ करके इधर लाऊंगा, इधर लाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये मान लो ये वाला पॉइंट है, मान लो ये, ठीक है, अब यहां से जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस पॉइंट से कहां पे कनेक्ट कर दूंगा मैं, तो इसको कनेक्ट कर दूंगा बच्चों, इसको कनेक्ट करूंगा कहां पे मैं, कि यहां पे ये 18 ओम हो गया, ठीक, ये पॉइंट हो गया मेरा ना, तो यहां से मैंने एक अलग कर दिया, फिर यहां से एक जुड़ा हुआ है और, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पे भी एक 18 ओम कर दूंगा, ठीक है, अब मेरा बन गया है सर्किट। फिर यहां से मेरे पास में क्या है, यहां से जो है ना मेरे पास में एक जो है तो प्रतिरोध यहां भी जुड़ा हुआ है, तो यहां कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ बच्चों, यहां पे 6 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये हमने 6 ओम कर दिया। अब आगे क्या बच रहा है, एक 6 ओम ये, एक 6 ओम ये बच रहा है, हम लोग क्या करेंगे, एक 6 ओम यहां पे लिख देंगे और एक 6 ओम बच्चों यहां पे कर देंगे, ओके। तो ये हमारा बन गया क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो यहां पे क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया ए और बी हो गया। अब होगा क्या कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 18 दूनी 36, है ना, एट बैलेंस कंडीशन में ये 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, है ना, ये 0 हो जाएगा एट बैलेंस कंडीशन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास में एक डायग्राम ये हो जाएगा, 6 दूनी 12, क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा ना तो क्या होगा, जुड़ ये देखना मैं बना देता हूँ आप लोग को, ये पॉइंट हो जाएगा, है ना, और एक जो है तो ये पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, है ना। अब ये क्या होगा बच्चों कि ये आपस में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे और ये आपस में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो कैसे बनेगा सर्किट डायग्राम, है ना, हम इसको समझ लेते हैं सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। ये 12 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया ए, सर्किट डायग्राम बन गया ये बी। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है बच्चों, वही फार्मूला अपने को यूज करना है, है ना। तो हम क्या करेंगे, R1 अपान R2 अपान R1 प्लस R2, तो इससे हम फाइंड कर लेंगे क्या हो जाएगा, 12 गुणे 18 अपान 12 प्लस 18, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग जो है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना निकल करके आएगा, 9 ओम निकल करके आएगा, आप सॉल्व कर लेना, है ना, कुछ नहीं करना है, 12 गुणा 12 गुणे 18 करना जो वैल्यू आएगी और प्लस 12 प्लस 18 करना है, है ना, तो 18 दो 20 10 30 हो जाएगा, उसको भाग दे दोगे तो आंसर कितना निकल करके आ जाएगा, 9, अर्थात इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, 9 ओम होगा। ये हमारा हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हम और भी क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब आप लोग को मैं क्या करूंगा बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा और साथ में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक दिन मैं ऑब्जेक्टिव की पूरी सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग जो है तो पढ़ करके सॉल्व करेंगे और इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि स्टार डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा स्टार कनेक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, नंबर एक में हम पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, ओके, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या कहता है। भैया स्टार टू डेल्टा कनेक्शन क्या कहता है, हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं, स्टार से डेल्टा रूपांतरण, है ना, डेल्टा रूपांतरण या कनेक्शन,
ओके कनेक्शन बोल सकते हो, रूपांतरण हम क्या कर रहे हैं, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम एक बना लेंगे, ये हमारा डायग्राम हो गया है ना, ये हमारा डायग्राम हो गया बच्चों स्टार का। ओके स्टार कैसे बनता है, तो ये हमारा जो है तो स्टार का डायग्राम बन गया, ठीक है, ये हमारा जो है तो स्टार डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं डेल्टा में, तो डेल्टा कनेक्शन बना लेते हैं, है ना, डेल्टा का पॉइंट एक बना लेते हैं। ये हमारा जो है तो डेल्टा कनेक्शन हो गया बच्चों, ये हमारा जो है तो डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। ओके इसमें भी तीन पॉइंट ये हो गए। अब हमें कन्वर्टन सिस्टम समझना है ना, ये पॉइंट एक हो गया, ठीक है, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ये आर वन हो गया, आर टू हो गया और आर थ्री हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, वन टू और थ्री, इसमें भी हम लोग दे देते हैं नाम सभी का दे देते हैं, है ना, ये आर आर ए दे देते हैं, आर वन आर टू आर थ्री है तो आर ए दे देते हैं, है ना, आर बी दे देते हैं और आर सी दे देते हैं, ठीक। अब इसमें फॉर्मूला जो जनरेट होगा कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है क्या कि आर वन दिया हुआ है, आर टू दिया हुआ है और आर थ्री दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने देख लिया है आर वन आर टू आर थ्री दिया हुआ है, ठीक है, और हमें एक चीज और दिया हुआ है, क्या कि आर ए दिया हुआ है, आर है ना, आर ए दिया हुआ है, आर बी दिया हुआ है और आर सी दिया हुआ है। कहाँ पे, डेल्टा में, वो स्टार में दिया है, डेल्टा में दिया है। तो हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, अगर हम बोले कि आर ए ये हमारे पास में क्या है, स्टार है ना, ये क्या हो गया, स्टार कनेक्शन हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब इसको स्टार से डेल्टा में चेंज करना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर ए, है ना, हम कहाँ पे जा रहे हैं, आर वन से जा रहे हैं आर ए में, तो आर ए लिखेंगे, है ना, आर ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन मल्टीप्लाई आर टू अपान आर थ्री, ठीक, ये पहला सूत्र बन गया, ठीक है, ये फर्स्ट सूत्र बन गया बच्चों। कैसे, हम देखेंगे फिर से, आर ए हमको निकालना है, आर ए में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो है ना आमने सामने की जो भुजाएं होंगी, आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो क्या है, आमने सामने की भुजा आर वन आर टू, ठीक, तो आर वन आर टू को हम क्या करेंगे, पहले आर वन प्लस आर टू लिख लेंगे, प्लस करके उसी को अपन ऊपर क्या करेंगे, आर वन इंटू आर टू, और जो शेष बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, नीचे आर थ्री में कर देंगे, ये सूत्र नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर हमको आर बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, है ना, आर बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि दो से तीन में जाएंगे, ठीक है, कहां पे जाएंगे, दो से तीन में जाएंगे, अर्थात ये जो है तो दो से तीन में हम चले गए। तो कैसे निकालेंगे, आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर प्लस, है ना, मैं यहां पे इसको जो है तो ब्लू में लिख देता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप लोग को समझ में आएगा। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर बी में जाने के लिए, आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर टू मल्टीप्लाई आर थ्री, है ना, जो हमने प्लस में लिखा उसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो नहीं लिखा जो शेष बचा है वो आर वन है, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर दो। अब हम लोग लिखेंगे आर थ्री के बारे में, है ना, आर सी को हम निकाल लेते हैं, तो आर सी बराबर क्या हो जाएगा, आर थ्री। अब हम लोग कहां पे देखेंगे बच्चों, यहां पे देख रहे हैं, तीन और एक के साथ में देख रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, आर आर वन और आर थ्री के साथ में देख रहे हैं, आर थ्री प्लस आर वन प्लस आर थ्री मल्टीप्लाई आर वन अपान क्या बचा है, आर टू, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर तीन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, गणित के क्वेश्चन, तो हम इस प्रकार के इस सूत्र का उपयोग करेंगे, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, है ना, हम इसको लिख सकते हैं ए आर ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको आर वन टू कर सकते हैं, और अगर हम इसको क्या कर दें आर टू, है ना, यहां पे क्या कर दें आर टू वन, और यहां पे हम लोग क्या कर दें आर थ्री वन, तो ये एकदम इजी हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने क्या किया आर ए आर बी आर सी, है ना, इन तीनों को मान लो हमने हटा दिया, तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं आर वन टू आर टू वन, और हो जाएगा सॉरी आर टू थ्री, और ये हो जाएगा थ्री वन, है ना, यहां पे हम लिख सकते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे
टू और थ्री। अब देखो क्या हो गया, अब इजी हो गया ना फॉर्मूला याद रखने के लिए, सूत्र बहुत इजी हो गया। R12 मतलब एक बार R1 लिखेंगे एक बार R2 लिखेंगे, प्लस उसी को R1 को भी लिख R1 और R2 को गुणा कर देंगे, और जो नहीं लिखा हुआ है शेष है उसको हम नीचे लिख देंगे। सेम इसमें भी R2 3, तो R2 हम कर देंगे एक बार R3 कर देंगे, और फिर उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नहीं लिखा हुआ है उसको हम नीचे कर देंगे, अर्थात 2 3 लिखा 1 नहीं लिखा तो नीचे कर देंगे। सेम R3 फिर R1 फिर उसी को हम लोग क्या करेंगे प्लस प्लस करके R2 into R1 और जो नहीं लिखा हुआ उसको हम नीचे कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन का सूत्र, अर्थात स्टार से डेल्टा में कभी भी कन्वर्जन सिस्टम में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे, है ना। फाइनली मैं लिख देता हूं, है ना, फिर से मैं फाइनली लिख देता हूं अच्छे से क्या बनेगा बच्चों फार्मूला आप लोग का। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1 2 को लेंगे, फिर 2 3 को लेंगे, फिर 3 1 को लेंगे, ठीक। देख लेते हैं हम R12 बराबर क्या हो जाएगा, देखो R12 है ना, तो R1 प्लस R2 एक बार 1 एक बार 2 प्लस करके हम उसी को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, और जो नहीं लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे बच्चों नीचे रख देंगे। तो क्या नहीं लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब 2 और 3 को लेंगे, पहले 1 2 को लिए अब 2 3 को लेंगे, तो 2 और 3 हो गया, एक बार हम 2 को कर देंगे, फिर एक बार हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे प्लस, फिर उसी को दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में रख देंगे, और जो नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा यहां पे 1 नहीं लिखा हुआ, तो R1 नीचे कर देंगे, फिर R3 1 हो जाएगा, तो एक बार 3 लिख देंगे, फिर एक बार 1 लिख देंगे, फिर हम जो है तो 3 और R का दोनों का जो है तो R1 का गुणा कर देंगे, क्या नहीं लिखा बच्चों 2, तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र, जो कि सूत्र नंबर फर्स्ट है, सूत्र नंबर सेकंड है, और सूत्र नंबर थर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है स्टार टू डेल्टा कनेक्शन का सूत्र बताइए, तो ये किसी एक है ना, ये सारे जो है तो ऑप्शन में रहेंगे, कोई एक सही रहेगा बाकी गलत रहेंगे, तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के भी काम में आएगा और ऑब्जेक्टिव बनेगा उसमें भी, ये हमारे काम में आएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं डेल्टा टू स्टार। अभी हमने क्या देखा बच्चों कि स्टार टू डेल्टा कनेक्शन हमने देख लिया है, ठीक है, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन हमने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, हम लोग अब क्या देखने वाले हैं कि डेल्टा टू स्टार हम देखने वाले हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको मिटा करके हम जो है तो अब देख लेते हैं कनेक्शन नंबर 2 डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। ओके, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, अर्थात हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टू है ना स्टार कनेक्शन, ये हमारा चिन्ह हो जाता है। हिंदी में भी आप लिख सकते हो डेल्टा टू स्टार रूपांतरण, ठीक। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ फटाफट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों कि डेल्टा को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कहाँ पे, डेल्टा को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों स्टार में, तो ये हम जो है तो डायग्राम बना लेते हैं डेल्टा का, ठीक। ये हमारा पॉइंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में हमने ये लिख लिया, आर ए लिख लिया है ना, आर बी लिख लिया और आर सी लिख लिया, जैसे उसमें लिखे थे। अब ये कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पे, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों स्टार में, ठीक है। तो हम जो है तो स्टार का भी डायग्राम बना लेते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक। स्टार में न्यूट्रल निकलता है, डेल्टा में नहीं निकलता है। हम स्टार डेल्टा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। केवल मैं न्यूमेरिकल के लिए भी बताने वाला हूँ आप लोग को ये सारी चीज़ें। ये R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। अब देखो क्या करना है, ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला जो है तो ट्रिक है, मैं आप लोग को बता दूँ। देखो होगा क्या, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे स्टार टू डेल्टा में, हम लोग क्या कह रहे थे पहले 1 2 को ले रहे थे, है ना। मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों पॉइंट है ना, पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि ये दोनों पॉइंट को पकड़ रहे थे, फिर ये दोनों पॉइंट को पकड़ रहे थे, फिर ये दोनों पॉइंट को पकड़ रहे थे, ठीक। तो वो स्टार से डेल्टा में, और अब डेल्टा में क्या करना है कि मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं 1 को पकड़ूंगा, है ना, ये 1 लिखा है ना, 1 को पकड़ूंगा तो मतलब इन दोनों को लेना है, फिर मैं 2 को पकड़ूंगा मतलब इन दोनों को लेना है, फिर मैं 3 को पकड़ूंगा तो इन दोनों को लेना है, ठीक है। मैं करके बताता हूं आप लोग को अभी,
कैसे है ना, हम जानते हैं दिया है R A B C और वन R वन R टू R थ्री दिया हुआ है, वो लिखना नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक को पकड़ रहा हूं, ठीक है, इसको पकड़ के चल रहा हूं मैं, तो क्या करूंगा मैं R वन को पकड़ लिया मैंने, तो R वन को पकड़ लिया तो इसके दोनों रिस्पेक्ट में क्या है, दोनों चीजें क्या है, हम लिखेंगे यहां पे क्या है, हम ऊपर को पकड़ेंगे ना ऐसे, तो क्या लिखेगा आर ए मिलेगा और आर सी मिलेगा, हम लिखते हैं आर ए इंटू आर सी लिख लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड में हम सभी लिख देंगे, डिवाइड में हम क्या लिख देंगे, सभी लिख देंगे आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये फॉर्मूला नंबर एक बन गया, बहुत इजी है। अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या किया था, इसको पकड़ा था बच्चों, है ना, एक को पकड़ा था ऐसे, अब मैं क्या कर रहा हूं, बी को पकड़ रहा हूं, दो को पकड़ रहा हूं, ऐसे पकड़ रहा हूं ऐसे, अब पकड़ोगे ऐसे ऐसे, देखो क्या हो रहा है, आर ए बन रहा है, आर बी बन रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि दो नंबर को हम लोग देख लेते हैं, आर टू को हम लोग देख लेते हैं, तो क्या बनेगा यहां पे भैया, यहां पे क्या बन रहा है, आर ए, ठीक है, और इंटू आर ए इंटू क्या बन रहा है, ये यहां पे पकड़ोगे तो आर ए इंटू क्या बन रहा है, आर बी बन रहा है अपान आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला नंबर दो बन गया। अब देखो हम पकड़ेंगे कहां पे, तीन को पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ूंगा मैं, ठीक है, तो हम इसको जब पकड़ेंगे तीसरे नंबर को, तो क्या करेंगे, जब ऐसे पकड़ेंगे तो क्या क्या मिल रहा है, आर बी और आर सी मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर थ्री जब निकालेंगे तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या मिल रहा है बच्चों, आर बी मिल रहा है, ये हो गया, और गुणे में क्या मिल रहा है, आर सी मिल रहा है, और बाकी टोटल है ना, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये हमारा फार्मूला नंबर तीसरा हो गया। तो ये एकदम इजी है, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे डेल्टा टू स्टार का, हम लोग कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर वन निकालेंगे, आर वन निकालेंगे तो क्या करेंगे कि ऊपर पकड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे तो एक को दोनों तरफ क्या है, ए आर ए है ना, आर ए है और आर सी है, तो हमने आर ए गुणे आर सी कर दिया, नीचे टोटल कर दिया, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये फार्मूला नंबर एक बन गया। फिर हम लोगों ने देखा क्या कि R2 निकालना है, तो हमने क्या लिखा दिया, R2 निकाल दिया। अब R2 के लिए यहां पे पकड़ेंगे, हम यहां पे पकड़ेंगे तो क्या देखेंगे, RA है और RB है, तो हमने क्या किया, R2 के लिए RA RB गुणे में कर दिया और डिवाइडेड में टोटल कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा तीसरे को निकालना है, R3 निकालना है, तो R3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो तीन को पकड़ेंगे तो हमारा फार्मूला निकल करके आ जाएगा, RB RB RC RC डिवाइडेड में क्या कर देंगे सभी का। तो अगर यहां पे कोई वैल्यू दी रहेगी, मान लो जैसे यहां चार दिया है ना, यहां पे आठ दिया है, यहां पे पंद्रह दिया है, तो इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, स्टार में, तो इन फॉर्मूलों की सहायता से करेंगे। अब बोलेगा कि ये मान दिया हुआ है, अब बोलेगा आर वन का मान निकाल करके बताइए, या आर टू का मान निकाल करके बताइए, आर थ्री का मान निकाल करके बताइए, तो हम लोग निकाल लेंगे। वो किसी एक का निकालने के लिए बोलेगा, डेल्टा में क्वेश्चन जो रहेगा ना बच्चों, डेल्टा में क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा है ना, ऐसा डेल्टा में डायग्राम रहेगा, उसके तीनों जो है तो प्रतिरोध दिए रहेंगे, बोलेगा कि आर वन का मान निकाल करके बताइए, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में है ना, स्टार डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में स्टार के आर का वन आर वन का मान निकालिए या आर टू का मान निकालिए, तीन में से किसी एक का पूछेगा तुरंत, हमको अगर एक का पूछ रहा है तुरंत ये वाला सूत्र रखेंगे और हम जो क्या करेंगे निकाल देंगे बच्चों। कैसे निकाल देंगे, मैं एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन निकाल करके बताता हूं आप लोग को। जैसे मान लो है ना, मान लेते हैं कि चार आठ और जो है तो यहां पे दस दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल करके देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, आर ए कितना दिया हुआ बच्चों, चार दिया हुआ है गुणे, आर सी कितना दिया हुआ, दस दिया हुआ है, है ना, और हमारे पास में तीनों कितने दिए हुए हैं, हम लिख लेंगे चार प्लस दस, है ना, चार प्लस दस प्लस आठ, है ना, या आप जो सीरियल में सही लिख लो तो अच्छा रहेगा। ये चार हो गया, ये आठ हो गया, प्लस ये दस हो गया, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, दस चार चौदह हो गया, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, दस आठ अठारह दो बीस दो बाईस। मैंने ये जो वो रखा है ना, जो मैंने ये अपने से रेंडमली मैंने क्या कर दिया है कि वैल्यू रख दिया है, दस रख दिया है, चार रख दिया, आठ रख दिया है, क्वेश्चन पेपर जब सेट होगा ना तो उसमें वैल्यू सही रहेगी ताकि सॉल्व करना इजी हो। अब क्या करोगे, चौदह में बाईस का भाग दे दो, जो आएगा वैल्यू वो हो जाएगा आर वन का, है ना। तो यहां पे वैल्यू सही रखेंगे तो हम एकदम इजीली सॉल्व करके देख लेंगे। तो मैं अब क्या करता हूं, एक एक क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करके आप लोग को बता देता हूं, तो ये हो जाएगा आप लोग का स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया है ना, और आप लोग को ये भी फार्मूला भी समझ में आ गया है इसका। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों,
है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन देखो मैं एक यहां पे कन्वर्ट करके बता रहा हूं। ये जो है तो आपका स्टार कनेक्शन हो गया, इसको मैं क्या करूंगा डेल्टा में कन्वर्ट करके आप लोग को बताऊंगा, ठीक। और एक क्वेश्चन यहां पे हो जाएगा, ये डेल्टा में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, है ना, स्टार में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ओके ये हो गया। अब मैं फटाफट ले लेता हूं, दो है ना, चार छः। अब बोलेगा वो कि ये आर आर ए हो गया, है ना, आर बी हो गया, आर सी हो गया। बोलेगा आर बी का मान निकाल करके बताइए, आर बी का मान निकाल करके बताइए। तो हमको फार्मूला तुरंत याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों, फार्मूला याद रखना है। सेकंड फार्मूला क्या कहता है, आर बी का हम लोग जब फार्मूला निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, आर बी का जो फार्मूला निकालेंगे ना वो टू थ्री, मतलब क्या हो जाएगा, आर आर टू प्लस आर थ्री बराबर, है ना, प्लस आर टू मल्टीप्लाई आर थ्री बराबर क्या हो जाएगा, जो है तो टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हमारे पास में नहीं लिखा होगा। तो क्या नहीं लिखा हुआ है, आर वन नहीं लिखा हुआ है। अब दो का है ना, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा भैया, आर टू का वैल्यू, तो ये फोर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, प्लस फोर, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई सिक्स अपान कितना हो जाएगा, एक का मान दो, तो ये कितना हो जाएगा, छः चार दस दो, है ना, छः चार दस हो जाएगा, और ये दो हो जाएगा, भाग दोगे तो कितना निकल करके आएगा बच्चों, पाँच निकल करके आएगा, अर्थात चार प्लस छः प्लस पाँच, अर्थात कितना हो जाएगा, आर ट्वेंटी थ्री, या आप बोलो कि आर बी का जो मान है वो छः चार दस पाँच पंद्रह ओम निकल करके आएगा। इस प्रकार सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा एक हो गया, क्या कह रहा है, टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकाल करके हमें बताइए। तो क्या दिया हुआ है, है ना, क्या दिया हुआ बच्चों, आर वन का मान दिया हुआ दो, आर टू का मान दिया हुआ फोर, आर थ्री का मान दिया हुआ है सिक्स। अब बोल रहा है किसी एक का निकालने के लिए, मान लो आर बी का निकालने के लिए बोल दिया, हम क्या करेंगे, आर बी का सूत्र रखेंगे, आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर टू इंटू आर थ्री अपान आर वन, हम क्या करेंगे दो, आर टू कहाँ पे है, आर टू ये है, फोर रख दिया हमने, आर थ्री क्या है, सिक्स रख दिया हमने, प्लस आर टू का फोर आर टू का थ्री मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई टू, है ना, आर वन का मान टू है। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, चार का चार मैंने रख दिया, छः का छः मैंने रख दिया, और छः चार दस हो गया, और दो का भाग देंगे तो पाँच निकल करके आएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो निकल करके आ जाएगा आर थ्री का मान R23 या RB का मान निकल करके आ जाएगा। मान लो उसने बोल दिया कि RA का मान निकालो, तो RA का मान हम क्या निकालेंगे बच्चों, हम जानते हैं R1 प्लस R2, है ना, आर ए का मान आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन मल्टीप्लाई आर टू अपान कितना हो जाएगा, आर थ्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, आर वन का मान, आर वन का वैल्यू दो है, है ना, आर टू का वैल्यू चार है, प्लस यहां पे क्या कर दो, दो मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ पे क्या कर दो, दो मल्टीप्लाई चार अपान कितना कर दोगे, छः, तो कितना निकल करके आ जाएगा बच्चों, चार दो छः होगा अपान छः होगा, छः का भाग दोगे छः में तो एक बचेगा, अर्थात दो प्लस चार प्लस एक इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चार एक पाँच एक छः, अर्थात आर ए का मान कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। ओके ऐसे ही हमको मान लो बोल दिया उसने कि भैया क्या निकाल करके बताओ आप, क्या निकाल करके बताओ आप, वो बोल देगा कि आर सी का मान निकाल करके बताओ, आर सी का मान निकाल करके बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, आर टू प्लस आर, सॉरी आर सी का मान जो निकलेगा ना, आर थ्री प्लस आर वन प्लस आर थ्री गुड़े आर वन अपान कितना निकल करके आ जाए बच्चों, आर टू। अब हम आर थ्री का मान लिख देते हैं छः, आर वन का मान रख देते हैं दो, प्लस सिक्स मल्टीप्लाई टू अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे फोर लिख लेंगे, है ना, ये कितना हो जाएगा फोर। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है ना, यहाँ पे देखना, दो हमने आर वन का वैल्यू दो ले लिया, आर टू का वैल्यू चार ले लिया, नहीं सही है सही है सही है सही है, मैं सोचा था कि डिवाइड में मैंने सिक्स रखा कि नहीं रखा, सही है एकदम करेक्ट है ना, जो मैंने समझाया वो एकदम सही है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छः को वैसे के वैसे लिख लेंगे, दो को वैसे के वैसे लिख लेंगे, प्लस अब इसको हमको ये पोर्सन मेन सॉल्व करना है ना, आप देखना कि आपको क्या करना है बच्चों, ये पोर्सन मेन सॉल्व करना है हर जगह, है ना, ये पोर्सन यदि आपने सॉल्व करना सीख लिया तो आपका ईजी हो जाएगा। छः दूनी बारह और भाग्य में कितना है चार, चार तिहाई बारह, अर्थात कितना हो जाएगा, छः प्लस दो
प्लस 3, 6 दो 8, 2 10 11, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों 11। तो आरसी की जो वैल्यू होगी बच्चों कितना हो जाएगी 11 ओम हो जाएगी, कितना हो जाएगी 11 ओम हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन को स्टार है ना से डेल्टा में हमें सॉल्व करना है। आगे समझ में बच्चों, तो इसको समझ लेना फिर से है ना। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को एक क्वेश्चन डेल्टा टू स्टार वाला, ओके डेल्टा टू स्टार। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करना, मैं फिर से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अब मैं बना लेता हूं एक डेल्टा कनेक्शन, ओ सॉरी, अब हम लोग जो है तो पढ़ लेते हैं। अभी हमने कौन सा पढ़ लिया, डेल्टा टू स्टार है ना। अब हमको पढ़ना है स्टार टू डेल्टा, ठीक ये। अब R1 का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, R2 हो गया, R3 हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं डेल्टा टू स्टार है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार में इसको चेंज करेंगे। तो स्टार में जब चेंज करेंगे बच्चों तो क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में है ना, आर वन आर टू और आर थ्री, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हम लोगों ने हम जानते हैं 12 23 31 लिख सकते हैं या ए बी सी लिख सकते हैं। आप देखो इनका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, मान लो डेल्टा में हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये मान लो दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है मान लो 20 है ना, ये दिया हुआ है मान लो कि 40, ठीक है। कोई भी रेंडमली कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो। अब बोल रहा है कि आर वन का मान निकालिए, तो आर वन का मान निकालने के लिए सूत्र हमारे पास क्या होता है बच्चों, आर वन बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना ये एक्चुअली में डेल्टा बनेगा है ना, ये आपका जो है ना डेल्टा कनेक्शन होगा, ये डेल्टा कनेक्शन होगा है ना, ये डेल्टा अब बनेगा भैया, सही है ना। अब डेल्टा बना ना, दोनों स्टार बन गए थे, ये डेल्टा हो गया है ना, अब डेल्टा बनेगा और ये जो है तो स्टार, अब ये डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक। फिर से मैं इसको अच्छे से बना दूँ, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर समझाया नहीं आपने अच्छे से। तो देखो मैं डेल्टा बना देता हूँ, ये मैंने एक्चुअली बनाया नहीं था, डेल्टा कुछ इस प्रकार बनेगा है ना, ये बनेगा 1 2 3, ये आर ए हो गया, मान लेते हैं आर ए का मान कितना है, कुछ भी मान लो आप लोग 10, आर बी का मान कितना मान लो 20 और आर सी का मान मान लो आप 30 या 40, जो भी मानना है, ठीक। अब आर वन का मान बोल रहा है निकालने के लिए, हम क्या करेंगे बच्चों, आर वन का जब मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर ए इंटू क्या लिख देंगे आर बी, और टोटल में हम लोग क्या लिखेंगे आर वन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। अब हम लोग सॉल्व करना है, आर ए क्या है भैया 10 है, मल्टीप्लाई आर बी क्या है 20 है, टोटल में क्या है 10 है प्लस 20 है ना, टोटल में कितना है बच्चों, टोटल में कितना है 20 है प्लस 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 2 1 कम 2, मतलब ये 200 हो जाएगा है ना, 200 हो जाएगा, 20 का गुणा 10 में करेंगे 200 हो जाएगा, और 30 20 50 10 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप निकल करके आगे अपना क्या 200 में आप भाग दे दो 60 का, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 20, और 20 में 6 का भाग दे दो तो 6 3 18 है ना, 2 बचा, फिर हम लोग 20 करेंगे तो 3.33 आ जाएगा, अर्थात R1 का मान कितना निकल करके आएगा बच्चों 3.33 ओम। अब यहीं पे बोल दिया कि भैया सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो है तो सेम है, क्वेश्चन सेम है। अब बोल दिया कि R3 का मान निकाल करके बताओ, तो R3 का मान निकाल देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे R3 बराबर कितना लिख देंगे बच्चों, R3 का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, हम जानते हैं R3 का जो सूत्र होगा, हम इसको पकड़ेंगे है ना, ये R3 का सूत्र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R3 में आर बी गुड़े है ना आर सी बराबर कितना हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी हो जाएगा। सूत्र में रख दो 20 गुड़े 30 बटे कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, नीचे सभी हो जाएंगे है ना। अब 3 2 6 हो जाएगा और 00 मतलब 600 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा है ना। तो जो हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 10 60 हो जाएगा, अर्थात R3 का जो मान निकल करके आएगा बच्चों कितना हो जाएगा 10 ओम निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को सॉल्व करना है।
अब मान लो बोल दिया R2 का मान निकालो, तो हम R2 का मान निकाल लेते हैं। R2 का मान निकालो तो R2 में क्या है बच्चों, यहां पे पकड़ोगे इसको, ऐसे पकड़ोगे है ना, ऐसे जब पकड़ोगे तो क्या निकल करके आएगा, आर ए मल्टीप्लाई आर बी अपान टोटल, है ना, मैं अब नहीं लिखता हूं बार बार, टोटल मतलब सभी। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 गुणे 20 अपान 10 प्लस 20 प्लस 30, है ना, तो टोटल हो जाएगा दो, है ना, कितना हो जाएगा टोटल, टोटल हो जाएगा बच्चों ये दो, दो एक कम दो मतलब 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना कितना 30, 20, 50, 10, 60, है ना, वही निकल करके आएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 6 त्रिक 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3.33 निकल करके आएगा किसका, R2 का मान, ठीक 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 है, तो ये निकल करके आ जाएगा इस प्रकार से। R1 का मान भी हमने निकाल ही लिया है, R1 का मान क्या हो जाएगा, एक मिनट, आर ए इंटू आर बी अपान टोटल, ये कहाँ पर निकल करके आएगा, आर ए का मान गलत हमने निकाला था बच्चों, है ना, आर ए का मान फिर से निकाल के देख लो भैया, आर वन हमने गलत रख दिया था, है ना, आर टू सही है, आर टू सही है, आर थ्री सही है, क्योंकि हम आर वन को जब पकड़ेंगे ना तो आर ए इंटू आर सी आएगा, है ना, अभी आर टू में सही है कि ए और बी आएगा, अब आर वन निकाल करके बताता हूँ, जब आर वन निकालोगे ना तो इसको पकड़ोगे तो क्या निकल करके आएगा आपका आर वन में, आर ए मल्टीप्लाई आर सी, अब सही फार्मूला है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, कंफ्यूज मत होना, जब हम आर ए निकालेंगे तो एक को पकड़ेंगे, दोनों साइड जो होंगे उसको मल्टीप्लाई बाकी टोटल कर देंगे, जब आर टू निकालना है तो हम इसको पकड़ेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाकी टोटल कर देंगे, और जब तीन निकालेंगे आर थ्री निकालेंगे तो इसको पकड़ेंगे, है ना, इसको पकड़ेंगे और इन दोनों का आर सी और आर बी का गुणा कर देंगे बाकी टोटल कर देंगे, तो अब यहां पर निकल करके आ जाएगा टोटल, आर ए कितना है 10 है गुणे ये 30 है, डिवाइडेड में कितना है बच्चों 10 प्लस 20 प्लस 30 है, तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और ये 300 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, 0 0 काट दो, 6 पंचे 30 होता है, अर्थात आर वन का मान जो होगा बच्चों कितना हो जाएगा 5 ओम, ये आंसर आ गया। अब मैं यहां पे आंसर लिखता हूं करेक्ट, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, आर वन का जो मान होगा, है ना, आर वन का जो मान होगा कितना होगा 5 ओम होगा, आर टू का मान कितना होगा बच्चों, आर टू का मान हमने कहां पे निकाला है, आर टू का मान होगा, ये हमने R1 के जगह में निकाल दिया था, पर R2 का मान है 3.33 ओम और R3 का मान कितना है बच्चों, R3 का मान जो है वो 10 ओम है। तो क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया रहेगा डेल्टा कनेक्शन, ये डेल्टा कनेक्शन बना रहेगा, है ना, ये डेल्टा कनेक्शन बना रहेगा, इन तीनों का मान दिया रहेगा, बोलेगा किसी एक का निकालने के लिए, हम एक का निकाल देंगे चाहे वो R1 का हो R2 का हो R3 का, मैं तीनों निकाल के आपको बता दिया हूं, और पिछले क्वेश्चन में क्या था स्टार टू डेल्टा था तो उसमें भी हमने तीनों निकाल करके बता दिया, इसको आप लोग सीख लेना एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की क्लास बस यहीं तक है ना, हम लोग जो है तो अगले नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज नियम, ये चीजें लेकर के हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद जय भारत।